राम। सबसे पहले तो आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सभी को जानकारी है कि हमारा जो राम मंदिर का काम है वो लगभग पूरा होने जा रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है राम जी की। उसी सिलसिले में पूरे भारतवर्ष में समस्त जो राम तीर्थ क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन्होंने समस्त भारतवर्ष से लोगों का आह्वान किया कि सभी सनातनी वहां पे आए और राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी सिलसिले में वहां से अक्षत कलश भेजे गए हैं। अक्षत कलश के साथ निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं और निमंत्रण पत्र के साथ ये भव्य राम जी का जो मंदिर है उसका चित्र भेजा गया है। हमारे जो रामदूत हैं वो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सभी के घर में जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि देश के हर कोने में हर गांव में हर घर में जाएंगे और ये जो राम जी का जो भव्य मंदिर बन रहा है और राम जी के भव्य मंदिर में बनने के बाद वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो दर्शन करने के लिए ये एक जो वहां की कमेटी है उसकी तरफ से निमंत्रण भेजा जाएगा। ये हम हर घर में एक निमंत्रण दिया जाएगा। ऐसे ही जो निमंत्रण का कार्यक्रम था वो 2 दिन पहले जम्मू में एक बहुत बड़े भव्य स्वरूप में किया गया है जिसकी जानकारी के लिए मैं जो इस कार्यक्रम के जो संयोजक है माननीय डॉक्टर शास्त्री जी उनसे निवेदन करूंगा कि जो रमे रामे मनोहर में सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरान ने आप सबको यहां पर साक्षात्कार वार्ता के लिए मैं अभिवादन करता हूं एक संयोजक होने के नाते और आप सबको इसके लिए आमंत्रण किया गया कि जो 500 वर्ष की पीड़ा थी सनातन की संवेदना थी उसका निवारण हुआ और श्री राम चंद्र जी का जो भव्य मंदिर है अयोध्या में बनकर तैयार है जिसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है 22 जनवरी को श्री अयोध्या जी में होने वाला है। उसके लिए पूरे भारतवर्ष के समस्त सनातनों से यह आग्रह किया गया कि वह वहां पे आए और उस मंदिर के दर्शन करें। अब उसका निमंत्रण जो है हमारी भारतीय सनातन प्राचीन परंपरा यानी हरिद्रा हल्दी और अक्षत मिक्स मिलाकर के जो बना जाता है निमंत्रण दिया जाता है प्रत्येक भारतवासी को प्रत्येक सनातनी को वहां पे आमंत्रण किया गया है जिसका कार्यक्रम जो है वो 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहने वाला है और उसके बाद 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके उपरांत 9 फरवरी से लेकर सब वहां पे आ सकते हैं। इससे पूरे जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें भारत के समस्त खंडों मंडल और जिला स्तर के जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं अक्षत कलश के ये हमारे पास कलश आए हुए हैं सब खंडों में जाएंगे और सबको आग्रह किया जाएगा इन अक्षत कलश वितरण के द्वारा कि आप सभी उस कार्यक्रम में जाएं और श्री राम मंदिर के जो राम मंदिर बनने वाला है श्री रामलला के दर्शन करें। और ये जो कार्यक्रम है इससे पूर्व हमारे कलश जो है पुंछ के अंदर 27 आए हुए हैं श्री दुष्स्वामी काला में एक कल भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है शाम को 4 बजे। तो मेरा पुंछ के समस्त सनातनी बंधुओं से यह आग्रह है कि वे सब इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के इस कलश यात्रा को जो है वो अपना सम्मिलित होकर के एक गौरवान्वित करें और अपने आप को भी गौरवान्वित करें कि वह इस कार्यक्रम के भागी बने। ये जो कलश यात्रा कार्यक्रम है श्री दशनामी अखाड़ा से प्रारंभ होकर के श्री गीता भवन पुंछ के अंदर समापन इसका कार्यक्रम होगा। इसमें आप सभी को जितने पुंछ के वासी हैं आपको आमंत्रित किया जाए। जैसे कि अभी शास्त्री जी ने आपको बताया है कि जो हमारा कार्यक्रम है अक्षत कलश यात्रा जो हमें जम्मू से जो हमें कलश मिले हैं हमारे जो पूंछ जिले के हिसाब से हमारे पास 27 कलश आए हुए हैं और ये जो कलश यात्रा कल हम निकालेंगे ये श्री दशनामी खाड़े में हमने आज सोमवार और मंगलवार को दर्शनों के लिए हमने ये वहां पे कलश रखे हुए। हम समस्त सनातनी जनता से ये अपील करते हैं कृपा करके वो आज और कल में वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं कलशों का जो अक्षत कलश आए हैं
उसके बाद कल शाम को 4 बजे श्री दशनामी अखाड़े से एक अक्षत कलश यात्रा जो वहां से निकाली जाएगी वो किलाबाद बाजार से होते हुए श्री गीता भवन में आएगी और फिर श्री गीता भवन में ये कलश वहां पे रखे जाएंगे और उसके बाद अगले इतवार को जितने जहां जहां कलश जाएंगे जैसे कि मंगलार में कलश जाएंगे, दगवार में जाएंगे, चलास में जाएंगे, सोनोपुर जाएंगे कलश और मेंटर में जाएंगे, दराबा में जाएंगे, हर जहां जहां मंदिर है वहां पर वहां ये कलश की स्थापना की जाएगी। उसके बाद भव्य एक जब 22 जनवरी का सबसे बड़ा दिन है कि 22 जनवरी को जब वहां पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन समस्त पुंछ में पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उस समय एक दिवाली का पुंछवासियों से अपील करते हैं कि कल जो हमारी कलश यात्रा है उसमें शामिल हो और शोभा यात्रा को में आए और पुण्य यश के भागी बने। धन्यवाद। मातृशक्ति ज्योति बल्ला, जैसे कि मेरे भाइयों ने बताया है कि हमारे निशु भाई और शास्त्री भाई साहब ने सब विस्तार से आप सभी को बता दिया है, तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें आज ये दिन देखने को मिला है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि कल शाम को 4 बजे श्री दशनामी अखाड़ा में आकर और पुण्य के भागी बने और ये वहां से हम कलश यात्रा जो अक्षत कलश यात्रा है वो श्री दशनामी अखाड़े से होके हम कलश यात्रा को श्री गीता भवन में लाएंगे और सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप पहुंचने की कृपा करें। तो इसी के साथ जय श्री राम।